सर्दियों के मौसम में होंठ फटने की जो परेशानी है ना, उसका सामना मुझे लगता है हम में से ज्यादातर लोगों को करना पड़ता है। और मेरे साथ में तो हमेशा ऐसा होता है कि चाहे कोई भी लबबाम क्यों ना लगा लूं, लेकिन वो उन फटे होंठों को पूरी तरीके से सही करने में कभी भी सक्षम नहीं होती है। नमस्कार, मैं हूं रीना और आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगी कि हमारे होंठ क्यों फट जाते हैं सर्दियों में, ताकि उनका हम जड़ से इलाज कर सके। और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा रामबाण इलाज जो कि मेरे लिए तो हमेशा काम करता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो होंठ फटने के दो कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी हो गई है, क्योंकि हम सर्दियों में पानी पीना थोड़ा कम कर देते हैं, प्यास उतनी लगती नहीं है, इसलिए हम ध्यान भी नहीं देते हैं। लेकिन जब भी आपके होंठ फटने लग जाएं तो समझ लेना कि आपके शरीर को पानी की जरूरत है। इसलिए हो सके तो ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, मतलब प्यास नहीं भी लग रही है तो भी एक रेगुलर इंटरवल पे पानी पीते रहिएगा। और दूसरा कारण है शरीर के अंदर गर्मी का बढ़ जाना। वो इसलिए क्योंकि सर्दियों में हम ज्यादातर वो चीजें खाते हैं जो कि हमको थोड़ी सी गर्माहट देते हैं, जैसे कि थोड़ी चाय ज्यादा कर दी, तिल के लड्डू खा लिए, और भी पता नहीं कितने सारे लड्डू वगैरह खाते रहते हैं, और साथ ही साथ वो लौंग, काली मिर्च और ऐसी चीजों का काढ़ा भी बना बना के पीते रहते हैं ना, तो शरीर के अंदर गर्मी तो बढ़ी जाती है, ऊपर से पानी पीना कम कर देते हैं, तो इसलिए हमारे होंठ फटना शुरू हो जाते हैं। तो इन चीजों का हमको ध्यान रखना है। जब भी आपके होंठ फटने लग जाए तो इनके ऊपर ध्यान देना, अपने खाने में से ऐसी चीजों को थोड़ा सा कम कर देना जो कि शरीर में गर्मी बढ़ाते हैं। तो ये तो हो गए कारण जिससे कि हमारे होंठ फट जाते हैं। और अब मैं बताऊंगी वो रामबाण इलाज जिससे कि फटे हुए होंठों को आप सही कर सकते हैं बिना किसी लिप बाम की हेल्प से। तो इसके लिए हमको सिर्फ और सिर्फ दो चीजों की जरूरत होगी। पहला तो ये कि रोज रात को सोने से पहले आप नाभि में थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लीजिए, और दूसरा आपको चाहिए होगा मक्खन या फिर कह लीजिए अनसॉल्टेड बटर, और मेरी जो देसी भाषा है उसमें से बोलते हैं अलूणा घी। लूण मतलब नमक और अ आगे लगा दिया यानी कि अनसॉल्टेड, ठीक है, अलूणा घी। तो नाम का विश्लेषण काफी ज्यादा हो गया, अब इसका यूज भी बता देती हूँ कि इसको कैसे यूज करना है। इसको आपको समझना है अपनी लिप बाम और अपने होठों पे इसको लगा के सो जाना है। और इसको लगाने का तरीका बड़ा ही सिंपल है। आपको अपने हाथ में थोड़ा सा मक्खन लेना है और अपने होठों पे इस तरीके से लगाना है जैसे कि लिप बाम लगाते हैं, और अगली सुबह जब आप उठोगे ना तब आपके फटे हुए होंठ बिल्कुल से सही हो जाएंगे। और इसको आप रेगुलरली भी यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपके जो होंठ है उसके अंदर मॉइस्चर बना रहता है, और इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करना भी नहीं है। सभी के घर में आप थोड़ा बहुत मक्खन तो निकालते होंगे, बस रात को लगा के सो जाइए। तो ये था आज का वीडियो। आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहे। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, इसे अपने दोस्तों और फैमिली वालों के साथ में भी शेयर करना। मेरे ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसके बाद में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें जब भी मेरा कोई नया वीडियो आए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।